हेलो। हाँ भैया कौन? हाँ वही यूट्यूब वाले हैं जो दो दिन परसों फोन किए थे आपके पास चांडा से। हाँ 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 बोलिए। तो आपके यहाँ जो है आप कह रहे पिताजी आपके हैं नहीं का बता रहे थे। पिताजी भैया हैं हमारे पिताजी ना, हाँ हाँ 1999 से परिवार के पीने में वाले हैं, आते हैं कभी कभी काम रह के बुलाए आएंगे। हाँ हाँ वो पीने वाले जैसे हमारे भाई स्पायर, उसके पहले से पी रहे थे वो। हाँ हाँ अब पीने वाले हैं भैया, परिवार त्याग दिए थे। हमारे मम्मी है, छोटे छोटे हम लोग थे, पाली पोसी अंदर से सब बना बना कर देते हम लोग, बेचे थे छोटे छोटे जब थे। हाँ 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 भैया हाँ हाँ मतलब कोई काम रहता है आते होते हैं। अच्छा मतलब कहीं पास में ही रहते हैं। हाँ पास में रहता भैया, सब लोग मेरे जो दादा तो जब जिंदा थे ना, तो बोले हाँ कि इनको कुछ बोलो मत, जो करने करने दो, कुछ कहो मत इनको। हाँ 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 हम जानते नहीं, इनका रुपया कोई जानते, अपना करते हैं मतलब काम, कुछ सामान में बेचते होते हैं मिल से, सट्टा हाँ वट्टा नहीं करते, लगन मीठा वट्टा बनाने वाला हाँ हाँ वही करते हैं भैया, और वही अपना खर्चा पानी चलाते हैं। अभी कोई काम रहेगा तो बुलाएंगे, तब जानते भैया हम पहली बात देखिए, मम्मी परेशान, तबीयत खराब है, खुद बनाने हाँ वाला कोई नहीं, तो उनको कैसे कोई मतलब कैसे क्या करे। हाँ अरे 1999 बजे परिवार छोड़े थे वो, उनको अच्छा छोड़ बहुत छोड़े। दिन हो गया, पास ही में रहते हैं तो हाँ पास में रहते कोई हैं भैया, शादी ये वादी कर लिए हैं कैसे रहते हैं? शादी भी नहीं किए भैया, तो कैसे खाना कैसे खाते होते हैं? चाचा चाहे और सबने। अच्छा आपके मतलब चाचा हैं, मतलब आपके हाँ पुराने बाबा है। परिवार के साथ? अरे भैया बहुत पुरानी परिवार है। अच्छा पुराने, उनके साथ सब लोग रहते हैं। अब जानते हैं हमारे फादर नहीं है अपन, लेकिन उन्हीं के पापा कहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं तभी पैदा अरे हुआ तो हमारे। कहना जैसे अब रिश्ता थोड़ा ना बदल बिगड़, मतलब एक ही बार बनता है, चाहे आप उसको तोड़, बनने से तोड़ने से टूटेगा, तोड़ो ना। तो नहीं जैसे बाबू हम बोल रहे हैं, हाँ हाँ बाबू तो देखे नहीं थे नहीं जन्म में, हाँ हम्म, वो बात है। हाँ तो क्या बोले थे बोलिए। नहीं वही हमने मतलब ये जानकारी लिया, वीडियो में नहीं था ये बात, तो हमने पता किया तो कहा एक लोग बता रहे थे जी उनके पिताजी से आप जो बता रहे अलग रहते हैं, बाजार में ही रहते हैं, जी जी तो हमने कहा कि धन उनका भी कोई प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। नहीं, वैसे कोई बात नहीं है। जैसे जब पिताजी अलग रहते हैं तो जब आप कह रहे हैं तो खर्चा वर्चा भी नहीं दिए थे आपकी मम्मी को, आप लोगों को कमा के खर्चा कर। कुछ ना भैया कुछ ना। हेलो हाँ हम हाँ लोग भैया ने पूरा बगले चाचा चाचा सब बन जाते हैं, परिवार हमारा सबसे सक्षम परिवार है यहाँ के। अब जहाँ थे बताइए भैया ने, जैसे जब वो समय रहा है तब तो बाप के साथ सब दिए, लेकिन अब जब सच्चाई मालूम है तो बहुत देर हुई है उन लोग के। कहें कि बताओ हम लोग मतलब सूरज के परिवार जैसे देखिए, हम लोग मतलब सोचे भाई कब से कब शांति से रहिए, अभी भी कहते हैं शांति से रहिए हमारे साथ, मार झड़ा अच्छी चीज नहीं होता भैया। तो आप तो दो ही भाई हैं ना? अब तो ऐसे अब अकेले हो गए थे, अभी छोटे वाले जो लड़का पैदा हुई भाई फिर हो गए जान लो, हाँ हाँ नहीं भाई इससे लड़के हैं। हाँ बस दो ही, हम तो अकेले जैसे रहता है। मतलब आपके पिता के आप जो है दो हैं, एक आपकी बहन है, एक दो थे मतलब एक गुजर गया, जो नया हो गया वो नया हो हाँ गए हैं, हाँ जी, अब एक सिस्टर सिस्टर तो शादी हुई है बलिया में। मतलब आपके अपनी माँ से आप लोग जो तीन लोग थे, दो जी 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 लोग अभी हैं, एक लोग जो है मतलब पुनः जन्म हो गया है। नहीं एक लोग हम अकेले हैं। जैसे पहले आपके भाई नहीं थे जो वो, जो हाँ मतलब जो इंस्पायर हुए इंस्पायर हुए किए थे ना। थे? हाँ जो आपके भाई थे, हाँ तो आपकी बहन है, आपके भाई तीन ही परिवार था आपका, जी 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 तो आपके चाचा के साथ वहाँ रहते हैं वो, अलग दुकान पे रहते हैं। आज जैसे भैया ना, अभी हम अभी आज सुबह कुछ चर्चा हो रहा था तो कहने लगे हम बहुत हम बोले जैसे हम खुद परेशान है, मम्मी तबीयत खराब है, समस्या हल हो जाएगा, कोई बनाने वाला आ जाएगा तो हम आपको लेकर आएंगे, कोई दिक्कत जब आपको गलती मान रहे हैं तो भाई उसमें क्या है कि नहीं, आप रहिए खाइए पिए, बस यही है कि पीने वाला काम मत करिए हमारे साथ। अरे बच्चे जैसे अब उतना उम्र हो गया हो, कितनी उम्र के हो गए आपके पिताजी? लमसम 50 से पार हो गए हैं। 50। अब जो जैसे क्या होता है जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो उसकी आदत छोड़ाना कठिन हो जाता है समय पर। जैसे जैसे सही है सही, छुड़ाना करके हमारा ठीक है, लेकिन झगड़ा बहुत तो नहीं करना चाहिए। हमारे भी बगल में चाचा चाचा रहते, पीते हैं आराम से सोते हैं, ये बात हमको, जैसे मम्मी का हार्ट पेशेंट है, हाँ। अब वो झगड़ा होता है उनकी तबीयत और खराब हो जाती, चिल्ला हल्ला वल्ला करते हैं, तब अब नहीं करते हैं, अब नहीं करते अब से भाई, अब आने के लिए सब कहते हैं कि भाई कोई शादी शादी भी देखो जा रहा, देखो जा रहा है ना, अब कोई शादी कर लेंगे फिर तो अब आपके बाकी रहा। बाबा बाबा कितने भाई थे? हमारे बाबा चार भाई थे। अच्छा चार भाई थे, तो किस भाई में रहते हैं वो इस समय? अच्छा जो आपके बगल दुकान है वो सब पटीदार की दुकान? चाचा है वो। हाँ हाँ
चाचा के मतलब लड़के उड़के हैं बगल में वो जो। तो किसके साथ रहते, किस मतलब किस नंबर के मतलब बाबा के जो आपके पिताजी थे, भाई थे? जैसे 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 हमारे जो बाबा थे हाँ। तो वो लेके गए कि दादी हमारी बोली जा रहे ए अपना से जो जो करने, तो हमारी बुआ ठीक है हमने कुछ हाँ, कहेंगे अपना हाँ, अपना कमाए अपना खाए। तो मम्मी में आए स्थिति बहुत डैमेज हमारी जान लीजिए, खाने के लिए नहीं था उसमें। अरे वो तो जब जो कमाने वाले पिताजी थे, और जब वैसे तो बहुत से परिवार में, अभी हमने वीडियो बनाया था विष्णु राज के यहाँ गए थे जी। तो वहाँ एक औरत आई थी, उसके बच्चे थे पिताजी, जो ऐसे जैसे आप बता रहे हैं वही कंडीशन है। जैसे भैया बताया आपसे ना उस समय, आपसे बताया ना जैसे हमको झूठ मिले क्या मिले, हमारे हम लोग बहुत छोटे छोटे याद हमको जो छोटे छोटे थे हाँ। तीनों लोग थे बाबू, जो इस पार हो तो इस पार नहीं हुए थे हाँ। तो खाने के लिए इसे नहीं मतलब कि उसमें 3 रुपए किलो शायद 4 रुपए किलो आटा बिकता था दुकान पे हाँ। उतना पैसा नहीं हो पा रहा था कि मम्मी पाल पोस के बड़ा कर लें, बहुत मुसीबत झेली है हाँ। और जैसे अगर हम केस करेंगे तो हमारे जो नाना थे इज्जतदार आदमी थे, हमारी मम्मी कहती थी अगर हम भूखे रहेंगे लेकिन किसी को हम नहीं कहेंगे, हाँ इतनी मुसीबत हम झेले हैं। नाना आपके अमीर घर के थे समझदार हाँ, बहुत जानते। हमारी मम्मी 6 बहन थी हाँ, अब जान लीजिए 6 बहन की शिक्षा घर पे ही हुई और बाहर नहीं शिक्षा हुई, स्कूल में नहीं पढ़ा है और फिर भी पढ़ने आता है सब। हाँ मम्मी में ऐसे कोई नहीं, चूसिया नहीं बना सकता अरे परिवार तो भैया ठीक है। और जो बात बताया आपसे ना भैया हाँ। इसमें जो इसमें भी मतलब जान लीजिए हम तो नहीं भगवान है, लेकिन जो याद है वही बता रहे हम तो खुद सोचते हैं। मम्मी कल भी बात कर रही थी बाबू से कि आप बताओ याद आ रहा है लेकिन पढ़ाई कब याद आएगा हाँ। खाली घूमते हो, पैसा चाहिए यही चाहिए चाहिए हाथी खाली करते हो। तो मम्मी कहती भी है खाली याद आके भगाने के लिए आए थे का हमारे वाइफ को। अच्छा कहाँ पता किए थे किससे? अरे पता किए थे बताना ठीक नहीं होता ना ये चीज। चलो ठीक है, जैसे किसी को बता देंगे तो दिक्कत हो जाती है ना चीजें। नहीं नहीं बता उससे नहीं मतलब, जैसे देखिए भैया ना हेलो हाँ। हम ना हम तो हम उसमें एक आदमी है ऐसे हमारे जो खानदान से उनके जो साथ दिए थे आपसे बताए हाँ, तब हम मम्मी कहें अगर जब आज जब आदमी पश्चाताप कर रहा है तो उसमें बोलने में क्या हर्ज है हाँ, कि नहीं भैया? जैसे नहीं बोल रहे सुधर रहे हैं। अरे भैया वही आज चर्चा हो रहा है ना, कल शादी थी हमारे मतलब हमारे चाचा से उसमें भी थे, मम्मी के पैर में दिक्कत हो नहीं, घर जा पा रही है मम्मी, दोनों पैर में मोच खा गया ना, कब चलने में दिक्कत हो रही, तो आज फिर जाएंगे अकबरपुर आपके आज हमारे बड़े चाचा की लड़की की शादी अकबरपुर मैरिज हॉल से हो रही है, कोई मैरिज हॉल शायद है यहाँ, और सब लोग गए हैं, अभी हम घर पे हैं, अभी सब लोग यहाँ से जाएंगे 3 बजे और जाएंगे सब। परिवार हमारा बड़ी लंबी है भैया। हम आपसे भी बताया ना कितने लोग ये सोचते होंगे कैसे ऐसे हो सकता है, हमारे जो घर का मैटर है ये मतलब कि सबके हजम होने वाली चीज नहीं है। वही, वही, वही वही सब सोचते हैं, जैसे कुछ सवाल लोग कर रहे थे जब बताए जैसे तो बताए तो लोगों ने सवाल किया है, अभी करेंगे जब अपनी बात कर लीजिए तब बताएंगे। जैसे देखे भैया ने जब बताने लगे भैया जब 2.5 साल से ना हम को सोचे क्या मम्मी में इस घर क्या मतलब, माता जी के बात जो बोली वो नहीं को ध्यान दे रहा था ना, लेकिन एक अजीब लग रहा था उस समय। अब देखिए 2.5 साल से बताना चालू के जो बता रहे हम लोग क्या जाने के, अब कोई सिखा कर क्या मिले, हमारा तो परिवार सब उखड़ गया ना, बिगड़ गया ना। नहीं जैसे कुछ लोग ये कह रहे थे, एक लोग जी जी आर्थिक कोई मतलब प्रॉब्लम होगा, मतलब पैसे का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, जैसे पैसे का इसमें ऐसे बता रहे थे जमीन जायदाद का कोई होगा नहीं ऐसा कोई बात नहीं। हेलो तो जैसे भैया ना हेलो हम अकेले हैं तो कहाँ जमीन जमीन का मैटर आएगा, हम अकेले हैं, हमारा घर पूरा दुकान हमारा ही है। नहीं जैसे आपके नाम थोड़ा ना होगा, आपकी मम्मी के नाम होगा या आपके? नहीं नहीं उसमें उसमें जमीन में कोई जैसे आप तो आप मम्मी के नाम हो गए आपके? नहीं 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 वो हमारे जो जमीन में सब कोई मैटर नहीं, हमारे आएंगे खुद पूछेंगे चाचा तो लड़के सब चाचा तो सब हमारे हाँ। नहीं जैसे वो जो जमीन आपकी है तो मतलब नंबर में है कि जो है गांव की? जैसे भैया सुनिए मेरी बात सुनिए, वो जमीन जो है ना हमारे था तो दादी मर गए, अब सबके नाम हो गए, जो 6 भाई थे हमारे मतलब पापा तो 3 लोग इस पार हो चुके, 3 लोग जिंदा है अभी हमारे पापा को लेकर, तब जो जिंदा नहीं है उनके लड़के का नाम हो गया है, जो है तो उनके नाम है ही अभी। अच्छा दो पिताजी के आपके 2 भाई लोग बचे हैं बाकी लोग नहीं? नहीं तीन 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 बचे हैं इस समय, 3 लोग पापा को लेकर 3 लोग हैं। एक बगल वाले चाचा भी इस पार हो गए कैंसर से, एक जो नेवादा रहते थे उनको भी कैंसर इस पार हो गए, एक नेवादा और रहते थे सबसे छोटे चाचा उनको शायद हो गया था पेट में क्या बोलते हैं किसी जगह का ऑपरेशन कराए थे
वो सबसे छोटे चाचा थे। हाँ तो वही सब है कि जैसे जमीन जो है आपके पिताजी के नाम है जहाँ आप दुकान चलाते हैं। उसे कोई मतलब नहीं, जमीन भी भैया ना। हेलो, अभी सुबह खुद जानते हम लोग गए थे ना एक बार उनके यहाँ चाचा के पापा के पास, तो बोलने लगे रो कर कि अरे हम जो हुआ हुआ हम बोल रहे हमके ठीक है तो मम्मी की तबीयत खराब हो है। फिर जानते हैं आप मम्मी चाचा के लड़के लड़के बतिया दिया सब कि ठीक है आपको जल्दी हम लड़की नहीं, जैसे जो सब। संविधान का जो नियम है वो आप हर कोई जानता है, कोई पिता ना देना चाहे लड़के को तो लड़के के लिए कठिन हो जाएगा, ये मामला फंसता है। कैसा मतलब इसमें जमीन इसमें कहाँ लड़के प्रैक्टिकल मैटर कहाँ है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी दूर रहते हैं, आपसे नाराज में रहते थे, नहीं आप नहीं तो ऐसा कोई मान मत, जैसे देखिए आप क्या है ना कि चीज आप बताइए कहना क्या चाह रहे हैं, बताइए हमको तो बताएं हम आपको ना क्या कहना चाह रहे हैं जैसे आप ही खुद ही बताए हैं वीडियो में लाइव में कि पिताजी जैसे पीते थे बहुत दूर, बहुत समय से पास नहीं रहते हैं ये चीज, जैसे तो जी। उनको कोई बहला फुसला के कहीं भी जमीन लिखवा ले, कागज लिखवा ले ओ कहीं सब आप ओ सब ओ सब ओ सब नहीं करेंगे। हाँ तो वही तो इसका, जैसे जब इतने दूर तक रहते परिवार में नहीं रहते तो घटना घटना कोई कठिन नहीं 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 रहता। जैसे देखिए भाई हेलो, पहली बात देखिए वो अभी भी बात होता, हम गए थे ना वो खुद हमसे कहने लगे जो हुआ हुआ, चाचा लड़के भी कहे कहे चलो ठीक है, कहे वो सब लोग कहे पियो आप और सूरत देंगे भी आपको पीने के लिए लेकिन शांति से, जिससे थोड़ा कि बस पी के झूमते रहो है, आप पी रहे हैं नहीं छोड़ सकते लेकिन शांति से पियो। कहें ठीक है, तो मम्मी का तबीयत खराब था फिर लड़की उड़की देख रहे हमके, जो कोई बनाने वाला घर पे है ही नहीं है, समस्या ये बात के ना। तो अभी हम तो आदि कल शादी में जाएंगे भी और लेकर फिर साथ में रहेंगे भी है। अरे तो लड़की को कैसे दे दिए थे अपने वाइफ के साथ भैया जाने के जैसे मैं लिए? जैसे देखिए भैया ना यहाँ से जब गई है भैया ना यहाँ से कोई बात नहीं था, हमारे उसके पिताजी का तबीयत खराब था लॉकडाउन में तो हम गए थे देखने के लिए। तो लॉकडाउन में एक बार गए थे आजमगढ़ में एक हॉस्पिटल में, हार्ट के हॉस्पिटल है उसमें मैंने गया, तो वहां पर डॉक्टर बोले मिलने से मना कर दिए कोरोना की वजह से। हम लोग वहां से वापस आ गए थे, फिर करीब 15 दिन बाद फिर जब हम घर पे वो आए, घर पे आ नहीं पाए थे मतलब कि अब आ जाएंगे, तो हम बोले गए वहां पर तो मम्मी बोले 1 हफ्ते के लिए छोड़ दो, 1 हफ्ते के लिए छोड़े क्या, 1 महीना हो गया फिर हम नहीं आएंगे और यहाँ से ना कोई गहना ले गई ना कुछ ले गए, लड़की को लेकर बाबू छोड़ के गई थी। तो बोली कि बाबू आपके बिना नहीं रह पाते मम्मी से, हम बहनी को लेकर जा रहे, तब जब अगर वो ऐसा कोई बात हो रहता तो जितनी हमारे संपत्ति गहना गुड़िया और इसी के पास रहता था ना, मम्मी का और भी कुछ सामान है जो थी तो लेके चली जाती, नहीं रे चलिए पहले से बात रहती। लेकिन ऐसा कुछ तो जब वहां से लिखा पड़ी हुआ ना घर से यहाँ से कोर्ट से, तब मम्मी गहना गुड़िया उनको दी लीजिए भाई हमको नहीं चाहिए आपके। अच्छा, जब कोर्ट कोर्ट केस हुआ तब जाके तलाक। हाँ मैंने कोर्ट किया ना, मैं कोर्ट किया था तो आपको लड़की तो मिलनी चाहिए थी जब कोर्ट। नहीं जैसे भैया देखिए ना लड़की वाली बात ये था कि आप बोले वकील साहब जो बोले हमारे वकील कि आप गए तो हो गया फैसला, अब लड़की के लिए मुकदमा करेंगे तब होगा। तब मम्मी मम्मी बोले कि लड़की की मुकदमा, तब बोले नहीं आप लड़की पहले बात तो वहां पर थी, लड़की से बड़े थी बाबू से ना। अब जैसे अब लड़की को अगर 6-7 साल अगर लड़की से पूछेंगे तो अब भाई वहां से इतना दिन से पूछेंगे तो मम्मी के पास रहेंगे क्या बोले, बड़ा लड़का बड़ा थी ना वो पूछने वाला नहीं जो वकील कह रहे थे यदि आप कोर्ट करते ना। हाँ तो जैसे कोर्ट करते देखिए भाई, जैसे देखिए भाई आप तो बताए ना मम्मी हम अकेले हैं, मम्मी हार्ट पेशेंट है और इसी वजह से हम बार बार दौड़ कर जाना कोर्ट, फिर बोले कि आप मुकदमा करिए तब 2-4-10 साल लगेगा बहुत समय बीत जाएगा, वकील वैसे हमसे बताए हमको। तो भाई जब मम्मी कहे जब ऐसा बात है तो भाई जब नहीं देंगे भी नहीं इससे अच्छा भाई चलो मामला शांत सुलझा लो भाई अपने का। हाँ, मतलब लड़की लेने का आपने ज्यादा प्रयास नहीं? अरे प्रयास अरे भैया कैसे प्रयास करे, जब मुकदमा लड़ा तो मैं तारीख में ना आए, अब लड़की का मुकदमा लड़े तो उन तारीख में तो जिंदगी भर चलता रहा पैसों चाहिए नहीं, ना नहीं ज्यादा दिन नहीं 2-3 लंबे अरे नहीं भाई चलते हैं। आप कह रहे हैं ना वकील जब बताए हम जाने आपको हमको क्या मालूम इसके बारे में, अब वकील थे जो हमारे वकील थे यादव जी थे अकबरपुर के ना, वो कह रहे हैं सूरज जी मुकदमा करेंगे कुछ फायदा नहीं, 10-20 साल तक चला रहेगा आपका। नहीं जब आपका तलाक वाला ज्यादा दिन नहीं चला तो ये सब मामले बहुत दिन नहीं चलते हैं ये चीज़। जैसे हमको जानकारी नहीं थी क्या करें भैया, तलाक वाला आपका कितना दिन चला, 1-2 साल मुश्किल से चला होगा। 1.5 साल चला था वो भी सुलह सुगा था ना। हाँ तो वैसे वो भी सुलह होता जब मुकदमा आप करते थे चलो भैया, जब वकील बताए हम क्या करें। चलिए ठीक कोई बात नहीं, मम्मी आज भी रोती है हम लोग आज भी रोते हैं उसके लिए, बेटी भाई बेटी हमारी थी। और भैया ना हेलो जैसे जो बता रहे हैं ना वैसे खाली हमारे जो पापा थे दूसरे कहने पे आ गए थे, आज वो एक सोचते हैं पछताते भी होंगे भाई कहीं ना कहीं, तभी कह रहे हैं कि भाई जो हुआ तो हुआ।
आज हमारे आज शादी में खुद जाएंगे, नहीं पहले था ना हमको सामने नहीं आ रहे थे, भाई आते हैं देखते हैं सब समझ गए भाई गलती किया हूँ। देखिए आदमी देखिए हमको यही हम तो यही कहते हैं अगर आदमी गलती मान रहा है उसको मानना भी चाहिए। वो तो सही है, जिसे आपके रिश्ते तो बदल नहीं सकते हैं भाई कैसे, अरे भाई बाप हमारे हैं ही, हम तो कह रहे हैं बाप नहीं उसमें कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं 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 अब फिर भैया देखिए ना अभी जो बाबू हैं उसमें उनकी क्या गलती भाई, अब है अब कोई न माने ना उसमें से क्या फर्क पड़ता है भैया। भाई अब अस्थिति थी हमारे हम अकेले हैं, अपनी शादी सिस्टर के शादी घर दुकान हम पूरा हम ही पर कोई और हमको देता है हम ही बनाते हैं। वही बता रहे थे एक लोग की जैसे जाते हैं वो कहीं कहीं खाना बनाने जाते हैं अभी। कौन जाता है? पिताजी आपके? हाँ पिताजी जाते हैं, हम तो दुकान देखते हैं और हमारे यहाँ जो साप्ताहिक मेला लगता है मंदिर पे वो जाते हैं, दो 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 एक तीन लड़के लेकर जाते हैं वहाँ पर दोपहर तक वहाँ दुकान देखते हैं, फिर यहाँ अपना दुकान हम देखते हैं यहाँ पर खुद हमारा वहाँ भी चलता है लगन का भी मीठा टा बनता है सब ऑर्डर भी लेते हैं। वही जैसे कह रहे थे वो ऑर्डर पे जाते हैं लगन में बनाते हैं। हाँ तो जैसे वही बात ही हम बता रहे हैं ना। अब फिर जैसे भैया जब हर परिवार की स्थिति के बारे में थोड़ा जान जाएंगे, अब कोई डंका थोड़ा बजाएगा इसे हमारे साथ चल रहा है आदमी सोचता है कि ऐसा मामला सुलझ जाए, फिर आज की नहीं 1999 की बात थी, कोई ममीर होते हैं हमारे जिंदगी में क्या लिखा है, तो चलो भगवान है बस। चलिए ठीक है यही सब था और क्या, यही हमने सोचा कि चलिए पूछ लें क्या जो कोई बता रहा सही बता रहा कि गलत बता रहा। नहीं तो उसने बताया उसमें भी वीडियो में बोल रहे हैं मम्मी यहाँ की नहीं रहता भाई रहते हमारे वीडियो में नहीं रहते हो। हाँ ये भी बात है, उन्हीं को भाई कहते हैं फिर किसी से क्या मतलब है, है? अब ये बाबू की याद वाली बात है, अब समय बताएगा ना कितना क्या आया जाएगा हम क्या जाने। अरे ठीक है जैसे अभी जब बीमार पड़ेंगे कोई असुविधा होती होगी तो आपके यहाँ आप लाइए उनकी सेवा करिए तो किसको, अरे तो उनको लाएंगे ना कहे नहीं तो बात होता है। नहीं अब क्या होता है इसमें थोड़ी सी आपको बात बताएं जी, होता ये है जहाँ आदत पड़ जाती है जैसे कोई किसी कमरे में रह रहा है, हमने देखा है बच्चों को जो इलाहाबाद लड़के रहते हैं या कोई लखनऊ बस्ती कोई रहता है लड़का तो वो किसी दूसरे कमरे में उसे शिफ्ट कर दिया जाए तो अच्छे कमरे में, लेकिन जहाँ वो रहता था वही कमरे में फिर लौट के चला आता है। मतलब मैं समझे नहीं है, जैसे हमारा ये है कि जैसे कोई लड़का है शहर में रहता है दिल्ली शहर में रहता है जी, उसका कमरा उसे जिस कमरे में रह रहा है उसे वहाँ असुविधा हो रही है जी जी, और वो असुविधा के कारण से एक अच्छा कमरा ढूंढ कर लेता है महंगा ज्यादा पैसे ज्यादा। और होता क्या है वो लड़का वहाँ जा करके रहने लगता है और उसके बाद वहाँ और उसको असुविधा लगती है, फिर वो पुराने जगह पे लौट आता है। तो आप बता रहे 1999 से यानी 20-22 साल हो ही गया, तो वहाँ कैसे रह रहे हैं उनकी सेट मतलब वहाँ रहना उनको ठीक ठाक लग रहा होगा इसलिए दिक्कत होगा आपके साथ। अजय कैसा दिक्कत? जैसे कहीं ना कहीं किसी परिवार के साथ आपके दाऊ जी के साथ रह रहे हैं ना, उनके परिवार के साथ रह रहे हैं। अब वो जैसे देखिए बताइए आपसे ने अभी सुने नहीं हमारी परिवार जब वो थे तब दादी एक्सपायर हो गई हमारे चाचा के पास रहने लगे, चाचा को भी कहने लगे कि अब ये इनकी गलती है इनके साथ हम इनको नहीं झेल पाएंगे। फिर एक चाचा उनके पास गए वहाँ भी कुछ दिन थे, अब क्या है ना अब अपना सत्ता करते अपना वही आसपास के जो दो चार लोग पीने वाला नहीं होते अपना बनाते वही सब मिलके खाते पीते हैं। अच्छा मतलब इस समय किसी के साथ इस समय साल दो साल से अभी किसी के साथ नहीं क्योंकि सब लोग जान चुके हैं कैसे हैं ये। अच्छा पूरा परिवार भी त्याग दिए हैं? अरे भैया देखिए हमारी बात सुनिए, जैसे यार जैसे उस समय क्या था कि सब लोग कहे हाँ इन्हीं लोगों की गलती है भाई, मम्मी कहे चलो तो समय बताएगा है, लेकिन जब जब आप जब किसी को साथ रखेंगे तब मालूम है कैसे है ना। हाँ हाँ सब रख लिए, हमारे बुआ आए कहे अरे सूरज की मम्मी हम सोचे सही बोले लेकिन तो कुल झूठ एकदम खाली, उसके पीने आता है और कुछ करने उन्हें कहो तो बस कहेगा हमारा ये दुखा रहा है वो दुखा रहा है खाली पीने कहो। अजानते एक बताओ बताए आपसे ना, हमारे जब घर पे काम करते थे मीठा तो बनाने थे ना तो कहते हमको मजदूरी दो, बताओ घर पे काम करो मजदूरी कोई देगा? पीने का नहीं कहते थे मजदूरी कह देते थे।
नहीं पीने वाला तो मिलता था, उन्हें हमको महीने के चाहिए। अच्छा पीने का भी पाते थे मजदूरी? अरे भाई जैसे बताइए, परिवार में कोई सदस्य काम कर रहा है तो सब कुछ में हो रहा है तो कहेंगे हमको महीने के वेतन दो? घर की जिम्मेदारी नहीं महसूस कर? अरे भैया अब जैसे देखिए, हमारे यहाँ कुछ हमारी बातें छोड़िए ना, आप बाजार में आएंगे और किसी से पूछेंगे ना, वो खुद बता देंगे सूरज की कैसे कैसे क्या किए हैं। बड़ा संघर्ष आप लोग करना पड़ता। हम आपसे बताए ना, हम छोटे छोटे थे, पर इसी के कारण हम आज तक कोई नशा हम लोग कोई छुए नहीं आज तक, जान लीजिए आप, क्योंकि हम अपने पिताजी को नशे से देखे हैं क्या जिंदगी क्या हुआ है। हम कभी कोई पीता तो दर खुद गए सब क्या पी रहे हो, गंदी चीजें हैं वही सब। लेकिन आज माँ भगवान है, आज सबकी एक आशीर्वाद समझो, क्योंकि हम कोई चीज कमी थोड़ा भैया, हम अपना आएंगे घर देखेंगे भैया ना। हेलो हरदम हरदम हर साल दो साल तीन साल में हरदम बनता ही रहता है। कमाएंगे भाई क्या है, कमा कर बनाओ खाओ पियो और घूमो टारो, ये क्या है जिंदगी में। जो जगह जमीन भी लिए होंगे अभी, जैसे हम शादी किए अपना सिस्टर शादी किए थे, मम्मी का हार्ट पेशेंट करीब, दवाई में पैसे ज्यादा, जैसे दवाई घर बनवाए भी है ना। जब उस समय तक घर नहीं बना था, बहुत घर बना, दो जगह और जमीन है मतलब मौके से, जैसे पुरानी जमीन है दो, लेकिन अब पिताजी छोड़े थे कुछ नहीं था, लेकिन बहुत कुछ बनवाना है, घर द्वार पूरा देखेंगे तो नीचे ऊपर बनता ही रहता है। अब आजकल जानते हैं ना, जमीन लेना आसान है लेकिन बनवाना बड़ी मुश्किल है, इतनी मटेरियल की इतनी महंगी सब चीजें हो गई है। अभी जानते हैं दुकान से लेकर पीछे तक टाइल्स लगा है, फिर दुकान भी बना है, सब कुछ भाई हरदम महंगाई बढ़ती जा रही है भाई, समस्या तो ये है। चलिए ठीक है, तो वही हमने सोचा थोड़ा बातचीत करें। अब फिर भाई अब आप फिर हम तो यही जो मैं जानते हैं कि आप इन्हें कितने लोग हम फिर मिला कर, हमके बस मत आइए बस हो गया। हम के भैया छोटे हैं, आप लोग आएंगे हरदम, अरे वो चीज बार बार पूछेंगे क्या मतलब है। हाँ जब एकदम स्पष्ट है कि वो लड़का उतना ही बता पाया है, जैसे इतना नहीं है, जैसे अब तो जो पूछते हैं अपने हिसाब से, अब आप कहेंगे अलग पूछेंगे, आप पूछेंगे उस समय कौन से नहीं बताए, हम अलग अलग पूछेंगे, लेकिन जो बताए उतना बताते है ना। हाँ मतलब क्या बताए हैं उतना ही बता पाएंगे, नई चीज नहीं लड़का बता पाएगा। अब नई चीज में नहीं बताए हैं, जैसे नई चीज जो सीबीआई वाले आए थे, सीआईबी न्यूज वाले आए थे, वो नई चीज पूछे थे, जैसे दुकान क्यों बंद है, हैं फोटो का तर्क कर रहे थे कि सूरज आपका फोटो, मैंने बोला हाँ हमारा फोटो, उसे में झगड़ा करते, अभी हम नाम और बुलाएंगे चिल्लाएंगे गुस्सा हो जाएंगे, ये बातें हैं। अब शुरुआत में जैसे नदी में कहाँ गिरे थे क्या लेने गए थे, जो चीजें पूछे तो ही बता पाएंगे। अब ये दिमाग उतना तेज है नहीं, अभी ना छोटे हैं ना, अब आए समय बताएगा है कि नहीं। सही है, सही, जैसे जितना जितना बताए पहले बताए। सुने हम मम्मी ही कहती हैं भैया हमारा चले गए तो हमारे घर पे आए बात खत्म, उसमें कोई बात कहीं और होते तो बात अलग रहती है कि नहीं। नहीं इसमें एक सवाल और लोग सोचेंगे, इसे एक तो पिताजी का तो आपने बताया जी, लेकिन अब वाइफ आपकी चली गई, उसका भी बहुत लंबा मैटर बनता है ये चीज। चलो बनना भाई से क्या मतलब, तो समय बताएगा ना। जैसे तो आपके चाचा बिल नहीं रख पाए, वो ऐसे ही थे उनका नहीं, कहते हैं ना कि जब कभी कभी क्या होता है, किस्मत जब खराब रहती है हर तरह से फेल होती है ना। वाइफ भी जैसे वैसे पिताजी की तरह से निकल गई आपकी। हाँ वही तो मम्मी कहते हैं कि दो दो नुकसान एक साथ उठाना, नुकसान मम्मी आज वही कहते, मम्मी नहीं कहते हैं कि आज आए नहीं होते तो शायद अच्छा रहता। मम्मी सही कहती ना, याद नहीं रहती तो आज याद नहीं रहता, हमारे साथ में थी ना इतना दिन तक, 7 साल थी हमारे साथ, कुछ हुआ नहीं, उसके पहले जाना चाहिए था ना तब, अगर कोई बात थी। हाँ 7 साल के आपकी लड़की भी हो गई, लड़का भी हो गया। और एक बात ये हो, जैसे भैया ने आज हो रहा है तो उनके जो बहन है उसके जो और रिश्तेदार सबके पास वीडियो पहुंच गया, हाँ ऐसा सब हुआ है, वो जानती भी है, तो अगर हम गलत बोल रहे हैं या गलत कह रहे हैं तो सामने आना चाहिए ना। हाँ तो मतलब तलाक का भी बहुत मुकदमा चला होगा, उसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद हुआ होगा। अरे भैया 1.5 साल चला है, हाँ वो कभी नहीं तारीख पे आई, लास्ट में जब सुना वाली मैटर आज लिखा पड़ी वाली बात, तब उसी दिन आई, डेट लिया गया, अब पूरा पैसा हमें दिए हैं, टोटल वकील का जो खर्चा होता है हमें दिए भाई, उसमें कोई, लेकिन हम मैं तो मैटर ये था कि हम अकेले थे, सबसे बड़ी समस्या है, हम यहाँ से कोर्ट में जाए। तो शादी कर ली वहाँ, तलाक के बाद शादी कर ली है वो, तुरंत तुरंत नहीं कर पाई है अभी, उस समय 2-3 यहाँ शादी लगी कैंसिल हो गया था, इस समय मतलब करी है शायद अभी कुछ दिन पहले ही, शायद सुने हैं साल भर है क्या कितना दिन पहले, शायद ये बिहार में थोड़े दूर चले गए शादी करने। अरे तो नहीं, जब यहाँ पर कोई लग रहा था कैंसिल हो जाता, जो
जब पता चल जाएगा हाँ ऐसे करके कोई रखेगा इनको। वो भी किसी फसाए होंगे कैसी दीवार। अब तो जान गए सुन रहे बड़ी बवाल हो रहा है वहाँ भी वो सुन रहे हैं। अब जाने होंगे जरूर वहाँ के लोग। फिर मम्मी कहते हैं देखिए भैया मम्मी कहते हैं भाई हम उनसे लोग पूछे वहाँ भी मम्मी कहें क्या मतलब शादी नहीं होती बात अलग है शादी कल इसमें क्या मतलब क्या किसी के परिवार बिगाड़ो क्या मतलब भाई बात खत्म हो गई। आपका भी तय हो गया डेट वोट भी क्लियर हो गया है इसका हमारा। हाँ। नहीं अभी नहीं क्लियर देखता जा रहा है क्लियर भी नहीं हुआ। हाँ, अब के ठीक ठाक थोड़ा देख के करना। अभी क्या बताए हम परसों आए थे ना। हाँ। तो आजमगढ़ के आए थे लड़की फोटो नहीं दिखाए आज चले आए देखने। हाँ। जब फोटो देखे तो थोड़ा बहुत ज्यादा हमसे भी ज्यादा हाइटी मतलब मोटापा बहुत ज्यादा थी। तो मम्मी मना करे नहीं सूरज नहीं करे हम कैसे करे। अभी आज फोन आया था अयोध्या से हमारे रिलेशन पे थे ना तो बोले कि भाई कैसे बात हम छुपाने वाला काम नहीं हम जो सकी का जो हम जो सही है तो उसमें छुपाने क्या मतलब हमको चाहे कोई करे चाहे ना करे छुपा के क्या मतलब होगा किसी को छुपा के क्या जैसे क्या अब छुपाएंगे तो कभी ना कभी तो पता ही चलेगा। वही तो बात है ना वही बात है ना। तो बातचीत अभी चल रही है अभी क्लियर नहीं हुआ अभी बातचीत चल रही है हम तो सोचते हैं जब तक ठीक नहीं मिले तब तक हम करेंगे नहीं। अब एक बार जलने के बाद जो है दोबारा तो कुछ सोचना पड़ेगा ही। नहीं मम्मी अभी कहते हैं हमको कोई कुछ ना दे गरीब से गरीब घर के लेकिन लड़की जो समझदार रहे ये नहीं कि बस आने के बाद भाई हमारे लड़के हैं तो भाई भले आज हमारे लेकिन हमारे लड़के थे ना भाई हम तो विफ्रो कह रहे हमारे भाई हो गए। भाई पैदा हमने ही किया हमारा ही मतलब लेकिन भाई रिश्ता रख रहे लेकिन लड़के हमारे ही है ना किसी और के हैं। हाँ वो लड़के जैसे आपकी वाइफ से ही पैदा हुए हैं बस वही बात जैसे जैसे देखिए हम कह रहे हैं अगर ठीक झूठी था तो झूठे मन के बोल साथ रहना चाहिए तो बड़े हो जाने दीजिए होती है उनको कोई माँ का ममता का मतलब नहीं मिला ना दूध पिलाई तुम कुछ नहीं तो सब फ्लो रहता है किसी के साथ। अरे वो बहुत लंबी कहानी होगी लेकिन अब फोन पे कितना बता पाएंगे हम समझ रहे हैं। एक दिन की कहानी थोड़ो ना है। मम्मी 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 जाना आपसे ना कि मम्मी गया तो पैर भी पड़ी थी कि ऐसा मत कर परिवार सब अलग हो जाए बहन भाई अलग हो जाएंगे कम से कम ना तो ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसा लग रहा कोई बात और हमको डाउट लग रहा लेकिन किसी क्या समझे मम्मी सब लोग कहते हैं चाची ची कहते हैं सूरज कोई और बात रहा होगा इसका मतलब की लड़के लड़के कनेक्ट उठ रहा होगी तभी इतनी जल्दी फैसला की है हम कि भाई भगवान जाए कनेक्ट हो तो कनेक्ट होती तो उसी सतह में जाते ये भी तो रहता ना तकती जैसे वही बती है ना भाई हम चलो ठीक है हर चीज का भाई जितना नसीब में रहता उतना ही मिलता है ना। अच्छा आपकी सिस्टर से आपके पिताजी से तो कुछ तो मतलब उसके वजह से आते नहीं थे लड़के आपकी बहन के साथ जिसे मतलब लड़कियों को माता पिता इसे दोनों मानते सब लोग मिलेगा 1999 सब छोटे छोटे तभी छोड़ दिए थे ना तब से एक बार नहीं लौट के आए दुआरे सब आए सब रखे समझाए बुझाए सब फिर ऐसे हो जाए फिर झगड़ा करने अच्छा, लगते बीच थे। बीच में आते थे अरे भले इतने बीच में बहुत मतलब आते थे समझाते थे बुझाते थे अब नहीं करेंगे दो दो तीन दिन तो सही रहते थे फिर वही सब काम चालू हो रखा पी के झगड़ा बवाल करना अब जब से गए हैं तब से आराम से भाई सब परिवार अपना शांति रहने लगा अब कहते हैं सब सुधर गए हैं अभी गए थे कोई काम था गए भी साथ में गए बीमार उमार पड़े तब ले आए क्योंकि नहीं बीमार नहीं बीमार तो वाला की बात है नहीं, अब जैसे मौका रहता हल्का फुल्का बीमार जैसे मतलब इस समय मौका की बात छोड़िए इस समय मतलब बात होती है कल ही बात हो रहा था शादी में आवाज भी जाएंगे अकबरपुर शादी में वो लोग भाई कहते हैं खुद की जो सूरज अकेले है मम्मी का तबीयत कैसे कोई बना खिलाएगा आपको है कहीं सूरज कर ले तो आपको फिर साथ में रहिए लेकिन शांति से रहिएगा भाई पहले जैसे क्या है कि आप तीन लोगों का कैसे न कैसे बनता ही उसी में एक लोग और बन रहा है कहाँ बन रहा है इस समय भोजन नहीं बन रहा अरे दिन में खाना बन ही नहीं रहा है मम्मी के बिस्तर पे रात में कैसे कैसे अपना मम्मी सान देंगे हम बना देंगे तो कैसे कोई बनाएगा और उनको भाई हम कैसे हम जैसे हम भी भूखे भी रह सकते रह लेते हैं उनको भूखे तो रह नहीं पाएंगे तो कौन बनाएगा काम दुकान का भी काम बहुत ज्यादा रहता अरे भैया तो यार दुकान वाला काम अंदर बनाते हैं पीछे बार भी बर्फी देखे बना आपसे बात कर रहे हैं बर्फी बना रहे हैं काफी कहाँ रखो। हाँ तो भाई सिम दोनों रहता हमारे लिए ना सिम सब कुछ होता है कोई लड़का उड़का रखे नहीं उसको रखना अरे भैया रखने का मतलब है कि भाई
इस समय छोटे बच्चों को रखेंगे तो सिर्फ केस अलग केस तो बड़े का तो पैसा ज्यादा लगेगा दादा। अरे बड़े का ज्यादा लगेगा तो चोरी कितना, दो दो तीन लड़के रख चुके हैं लेके भाग गए जानते हैं, रहेंगे इसके बाद थोड़ा सा जैसे देखेंगे तो निकल जाएंगे छोड़ पैसा लेकर नुकसान करके भाग जाते। अरे चोरी कर लेता, हम दुकान पे हैं, कोई कितना रखा है किसको है? कहीं चाय पीने चले गए, कहीं कुछ, कहीं कोई काम अरे हमारे जिम्मे तो थे सूरज मत रखे हुए भैया, बड़ी चोरी कर रहा है लड़का, उनके भैया क्या करें, तो भाई इससे अच्छा अकेले ही करो, जो है अपना एरा है अपना ठीक है, फिर दिक्कत भी नहीं होती ना, गैस से काम होता है अंदर होता फिर बाहर भी हो जाता है। नहीं वही जो आपका प्रचार करके जो है लोगों को मतलब बहुत दूर तक प्रचार हो गया इसलिए आपका दिक्कत हो गया। हाँ क्या चीज? जैसे आप वो लड़के का जो वीडियो बन गया, जैसे आप बता रहे थे कि अब लोग आना चाहते हैं, पहुंच भी जाते हैं ढूंढते ढूंढते, क्या चीज जो बाबू का? हाँ अब कहाँ कोई आ गया, हम जब जब उस समय था, अब तो कोई आएगा सामने तो वो मना कर दे जाइए बड़े भैया तब आइए बस हो गया। अच्छा अब मना कर दे रहे हैं? आ रहे हैं अभी आए थे हम कह, हाँ भैया देखे बस वही देखे बस वही सोच लीजिए अभी छोटे हैं, बार बार आएंगे पढ़ाई लिखाई भी नुकसान होगा ना। मतलब भाई आप रिक्वेस्ट कर देते कि थोड़ा सा, अरे हम आपसे फोन में मना करते भैया ना, तभी कहते भैया मम्मी से जो है मम्मी, अरे मम्मी मम्मी बोली भी आपका तो पैसे के लिए आप मर रहे हैं ना। हम तो सब मालूम है यूट्यूब वाले सब जितने व्यूज के लिए मरते हैं पैसे के लिए मरते हैं, कोई किसी से थोड़ा मतलब है। नहीं पैसे का भी मतलब है, जैसे लोग जानना भी चाह रहे तब पैसे आ रहा है ना, जैसे लोग इसलिए देख समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बताइए आपका, जैसे देखिए अब बताए मैं आपसे, जैसे आप कह रहे ठीक, जैसे हम तभी नहीं चाह रहे थे आज भी नहीं चाह रहे थे कोई जाने, और जो आप कहेंगे कैसे तब आए वो पहले वाला वीडियो वाला ना, वो जैसे हमारे पड़ोस बगल का ही थोड़ा ये बगल में गांव एक है, उसी में का छोटा यूट्यूबर शायद अभी नया था, तो हमको क्या मालूम है क्या बोला कि अरे सूरज भैया हमको नहीं भाई मम्मी बोली मना करी मम्मी ये सब नहीं करना है, अभी बड़ा हो जाएंगे तो होने दो भी, तो एक दिन ऐसे बैठे थे सब लोग आ गए ले वो कर है, हम नहा रहे थे तो कह रहे सूरज भैया, अब उसी में जानते भाई मम्मी तो भाई भावुक हो जाती है बात कोई पूछता है, देहाती रिपोर्टर वाला था जो, अब उसी में भैया बना लिया, हमको क्या मालूम भी बना देंगे तो पूरा फैल जाएगा, लेकिन अब तो भाई हम तो जान ही रहे हैं कि भाई हो गए हैं, अब सब लोग जान गए हाँ ऐसा हुआ, अब आने वाला कल की इंतजार करिए भाई अब काम कहेंगे। लेकिन वही चीज है ना, सवाल बहुत लोग खड़ा करते हैं। चलो ठीक है भैया सवाल खड़ा करें भाई, हम लोग तभी नहीं जान रहे ऐसा, ऐसे उस समय जब माता जी की बात अपने ही सुने होंगे, जब माता जी टंका बजाई थी तब भी हम लोग पर उंगली उठा, जैसे आप सुन रहे हैं जो वीडियो में सुने कि नहीं बात? हाँ सुने हो तो आते बात बार आते बात हमारे घर पे हुआ है, आप बाजार में आएंगे ना खाली मत कुछ करिए, अगर कभी आएंगे मौके कभी यहाँ पर इधर ना तो पूछेंगे किसी से ऐसी हुआ था तो ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं हो सकता हो कि माता ने आपकी बहन के ऊपर या बहन के ऊपर झूठ बोली हो, आप लोग सही साबित करने के लिए सिखा दिए हो, ये भी कह सकते हैं ना, इंसान की जुबान की कोई लगाम नहीं क्या बोल सकता है। देखिए वो तो देखिए हम भी कह सकते थे, आप अपने अपने कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, नहीं कह नहीं रहे, हम कह सकते हैं बोला कह नहीं रहा, यहाँ बाजार के लोग नहीं कह रहे, बाजार के लोग जान गए हैं कि अभी क्या हो सकता है ना, जैसे बाहर के लोग पत्रकार लोग कोई कुछ कह सकता है, जैसे कोई भी कर सकता है यार, हम बोले भगवान तो है नहीं, हम किसी ने फर्क दिखा सकते हैं किसी को, सब किसी को बोलने का बोला बोल सकता है लेकिन कोई चीज दिखाना आसान नहीं होता। नहीं वही बात भैया ना, अब जैसे अब कोई कहेगा हो सकता है माता जी से हुए तो ये झूठे अपना कह दे तो अच्छा ठीक है, हम तो यहाँ कह रहे हैं किसी को बच्चे को आप सिखा सकते हैं, हम आपको जो कहेंगे हम दे सकते हैं, जैसे आप आपसे बोले हम प्रश्न रख रहे हैं आपको, अच्छा इतने बड़े छोटे बच्चे को इतनी बातें या नदी से डरना या मतलब ये जान लीजिए कि सपने आना नदी का, ये आप सब कर सकते हैं सब? इसमें हुआ है बहुत सारे मतलब उदाहरण है इंटरनेट पे हैं बहुत सारी चीजें, मतलब नहीं उदाहरण बता सकते हम तो नहीं भाई ज्यादा नहीं जानते। एक लड़का है देखिए, एक लड़का है वो तीसरी क्लास में पढ़ता है, आप देखिए वीडियो 10 के बच्चे का पढ़ाता है। जैसे हम बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात हम नहीं, इसको हम बात बोल रहे हैं, सिखाने वाली बात हम बोल रहे हैं, इस पे कह रहे हैं हम, जैसे क्या होता है किसी बच्चे का दिमाग तेज होता है बचपन में, तेज होता है किसी का, तेज होता है ना, अच्छा ठीक है तेज होता है तो उससे क्या होता है वो सीखता बहुत तेजी से है, सीखता नहीं देखिए सीखता अभी पढ़ाई नहीं सीख पा रहे हैं, तो पढ़ाई क्या है कि पढ़ाई जो स्कूल में होती है तो स्कूल अभी तो उम्र नहीं, स्कूल कैसे सीख पाए, नहीं स्कूल में जा ही रहे हैं
अरे अभी जाने लगे हैं। हाँ, चलो ठीक है। हाँ। जैसे ठीक है लो, जैसे आप कह रहे ठीक है। अच्छा सपना हम भी सपना भी जो नदी का था, हम भी कह रहे कि मतलब आप रोइए सपने में। वो जो आप बता रहे हैं जैसे जो घर जो स्कूल वाली चीजें हैं, तो इसलिए नहीं याद आ रहा है क्योंकि लड़का अभी स्कूल का उम्र भी नहीं है। हाँ। और स्कूल के मतलब जैसे आप लोग स्कूल में टीचर होते अध्यापक होते तो वहाँ बच्चा घूमता रहता, तो हाँ। वहाँ जब घूमता रहता तो निश्चित है वो लड़का पढ़ाई अपने आप जान जाता, क्योंकि जैसे माहौल होता वैसे जान जाता। चलो ठीक है भैया, हम आपसे बहस कोई मतलब नहीं हमको है न भैया, हमको भगवान दया से न कोई पैसे की कमी है, है? अब समय के भाई थोड़ा वो रहेगा भाई। चलो ठीक है, वही सब है कि जैसे उस माहौल में रहता, अब उसका दिमाग तेज था, घर का माहौल में था, तो लोग यही कहेंगे घर की बात। चलो ठीक है, जैसे किसी का जुबान आदमी मोदी को गाली दे सकते हैं, तो फिर हम कह रहे हैं तो कोई अपना कहेगा अपना रहेगा है। हाँ भैया, जैसे क्या हमारा संविधान है, जैसे जो संविधान है, किस संविधान से है आप, किस संविधान से है आप, हमको लग रहा है। हाँ। हाँ, बताइए किस संविधान से आप हैं। संविधान से हम बता रहे हैं, पहले संविधान जाति आप पूछना चाहते, जाति बताएंगे नहीं अभी। हाँ, आप जात हमको लग रहा है कि आप मतलब भीम होते हैं क्या? नहीं, जैसे हम कुछ भी हो लेकिन मतलब जाति नहीं, जैसे मेरी बात सुनिए। हेलो। हाँ, हाँ। जैसे हमको जैसे हुआ है तो हमको ना कुछ मिलेगा ना मिलना, हमको चाहिए कुछ, ठीक है भैया। हाँ, हमारे साथ हुआ है पूछ लिए, अब आने वाला कैसे क्या होगा तो भगवान जाने, अब समय जाने। थोड़ी सी एक लाइन बात हमारे सुन लीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बोलेंगे जी, बोलिए। जैसे जो हमारा जो अभी जैसे आप कोर्ट में अपना तलाक आपने पाया है, तलाक दिया है जी, तो ये जो संविधान से तलाक मिला है आपको। हाँ जी जी, कोई केस बनता है तो पुलिस आती है, वो भी संविधान से होता है। तो देश हमारा संविधान से चल रहा है जी जी जी, संविधान से। हाँ जी जी, नियम उसमें देखिए, थोड़ी एक सेकंड और रुक जाइए। उसमें लिखा गया है कि देश में जो है विज्ञान को बढ़ावा देना, अंधविश्वास को खत्म करने का नियम बताया। सही 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 है ये चीज, इसीलिए लोग दौड़ दौड़ के आते हैं। ऐसे देखिए भैया, तो उसमें भी आप सुनेंगे वीडियो में ना, हम नहीं चाह हम लोग अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे, जो हमारे साथ हुआ है उसको कह रहे हैं। अब भगवान राम को भी, चंद्र जी को भी आप लोग नहीं मानेंगे, भगवान आए थे इस धरती पे। नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? नहीं भाई, अब तो देखे नहीं थे, आप भी देखे थे, हम भी नहीं देखे थे, आप भी देखे। मानो तो मानो, नहीं मानो उसकी कोई क्या फर्क पड़ता है। माने उसका दिक्कत नहीं, जैसे हमारा संविधान में लिखा है कि विज्ञान को बढ़ावा देना है। अरे भैया, विज्ञान जैसे विज्ञान देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़ेगा, तो उसी में कभी कभी क्या होता है, जब पापी पाप बढ़ जाता है तो भगवान को कुछ न कुछ करना पड़ता है भैया, मूर्खों के लिए ना, मूर्ख नहीं धरती पे है ना। अब फिर हमको जैसे देखे, कोई भगवान का माने, हम थोड़ा कहेंगे भगवान को मानिए, हम तो कोई कह रहे नहीं है कि आप लोग भगवान को मानिए, है किसी कोई नहीं कह रहा है। नहीं, जो माता ने कहा है वो तो भाई किया है, अब हम तो कह नहीं रहे भैया। हमने भी आपको कभी कहा है कि आप भगवान को ना मानिए? नहीं, जैसे देखिए उसमें आप सुने हैं, हम कुछ कहे हैं वीडियो में कि हाँ हम मानिए, हम तो नहीं कहते हैं किसी, हम तो कमेंट भी बोल देते हैं कि भाई मानो ना, क्या उससे फर्क पड़ता हमको, जो हमारे साथ हुआ है चाहे वो जैसा भी कोई समझे। कभी जैसे वो कृष्ण जी का, राम जी के समय में भी धरती पर बीता है ना, हुआ था नहीं माने तो उसमें हमसे क्या मतलब, उसमें नहीं, जिसे उस संविधान में लिखा है विज्ञान का बढ़ावा देने वाली बात है ना ये। हाँ, तो विज्ञान को बढ़ावा देना कभी कभी होता है ना, पुनर्जन्म को विज्ञान भी हार जाती है, सुने नहीं क्या? इसका मतलब आपको जो इतनी पुनर्जन्म सुन रहे, सब झूठे बातें है ना। झूठी बातें हैं, सच बातें हैं, लेकिन हमारा काम है सच्चाई पता लगाने का। भैया, सच्चाई पता लगाने, लेकिन कभी कभी जब होता है ना सच्चाई दिखने के बाद, हम लोग का उद्देश्य है, हम लोग का उद्देश्य आपकी बात और सबकी बात रख दे, जनता अपनी सोचेगी। चलो जैसे हम कह रहे हैं, हेलो, जैसे बात रख दिया जाए, जैसे हम रखने, हम क्या मतलब आपको इससे क्या मतलब? अब भाई आए आजकल, हम तो हत्या फोन किए नहीं, हमको प्रश्न करेंगे। हाँ, सही सही है, ऐसे जो अपराध करते, हमारे परिवार में क्या हुआ, कैसे हम जान रहे हैं, कैसे जेल रहे हम जान रहे हैं। मैं आपसे हाँ। मांगने गए ना किसी से मांग, अपना कर्म करते हैं, फल भगवान देता है। भगवान ही नहीं कहते हैं कि आप बैठ के खाइए। जैसे ये अपने यहाँ नहीं है, महाराष्ट्र में है। हाँ जी, एक अंधश्रद्धा उन्मूलन नियम है। हाँ। आप कहाँ है इस समय? ये हम जो है टांडा साइड। कहाँ पे है इस समय? कहाँ पे है?
टांडा में रहते हैं। अच्छा, उनके महाराष्ट्र का नाम लिया था, उनसे महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, हम टांडा के हैं। तो जैसे देखिए भैया ना, हेलो, जैसे हमारे साथ हुआ, हम लोग खुद नहीं मान रहे थे ऐसा हो जाएगा, तो हम तो आप बताइए छोड़, किसी को क्या फायदा आपको? ठीक, कोई बात नहीं, आपकी बात हमने सुना, समझा, समझने का प्रयास किया। जैसे समझने प्रयास नहीं समझ पाएंगे, हम खुद क्या नहीं समझ पाएंगे, हेलो भैया? हाँ, नहीं समझ पाएंगे, सही बताए, कारण है। देखिए भैया, कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ है ना, शायद हम कहीं और सुनते ये बात ना, हम भी नहीं मानते, शायद यही होता हम शायद। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम तो खुद, हम तो जानते हैं भैया ना, हमारे घर पे आते हैं भैया, हम क्या भगवान हम नहीं है जो कह के चली गई, अब समय बताएगा, हम भगवान नहीं है जो हमारे साथ हुआ। मम्मी भी कहती है हम तो पाए हैं, लेकिन आज भी थोड़ा सा कष्ट भी झेल रहे हैं ना। लेकिन हाँ, एक बात है, आज हमारे पिताजी चले गए, आज ये थोड़ा है कि हम खाने के लिए मर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, अपना मिल रहा है। अरे आपको बताए, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, लोग इधर उधर गए हैं, फिर भी आज अमीर है, जो मेहनत करता है अमीर होता है। बात है, भगवान देखे कर्म के लिए, कर्म बड़ी है ना, कर्म भगवान नहीं कहते बैठ के खाइए आप। जैसे क्या है, जो मेहनत करता है गरीब अमीर हो जाता, जो नहीं मेहनत करता है अमीर गरीब हो जाता है। सही सही सही, वही बात है ना। होने अमीर होने में और गरीब होने में टाइम थोड़ा लगता है। जैसे ये भी बात है, अब आप हम कहे हम बैठ के खाए, तो बैठ के खा के मिलेगा? बैठ के खाओगे बीमार पड़ जाओगे। वैसे शेर बैठ के, शेर को शिकार जो है बैठ के मिलने लगे तो शिकार बीमार होकर मर जाएगा शेर। यही बात है ना। अब फिलहाल तो हम जो हमारे साथ हुआ है, तो वास्तव में हम लोग खुद सोचते हैं कि आज चाहे कोई माने चले कि हम तो भाई भागताली हैं भाई, भले भले चले गए। जैसे क्या है समस्या, क्या है समस्या आपको बताए। जैसे हमारा, हम लोग वैसे ही, हमारा जो देश बना है, नियम बना है, आप सुने होंगे भारत गरीब देश है। जी, तो ये गरीबी का कारण जो है, हम अंधविश्वास से हटे तो अमीरी आ जाएगी, इसलिए सब लोग प्रयास करें कि हमारा पूरा समाज अच्छा हो जाए। देखिए जो हम, जैसे हम देखिए, हम किसी तो कहे नहीं रहे, हम तो खुद कहते हैं सब बात नहीं माना। आज हमारे साथ मैं कह रहा हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, उससे क्या मतलब, हमारे साथ हुआ, बात हुआ, अब बात खत्म, अब समय आएगा ना। जो आपके साथ घटना घट रही है, आप बता रहे हैं, बता रहे हैं, कोई माने ना मुझसे, क्या फर्क पड़ता है हमको, ठीक है? बस वही हम लोगों को चाहिए, सब वही, जैसे आपको बताया तो बार बार आज फिर फोन नहीं करना। आप उसे, आप हमारी परेशानी भी हल नहीं कर सकते ना, कुछ कर सकते, तो मतलब कि बार बार चीज पूछे क्या मतलब होता भैया? नहीं, साइंस बढ़ाना है, इसलिए करना पड़ेगा। जैसे साइंस बढ़ाएंगे तो अभी से 5 साल बच्चों को साइंस बढ़ाना चाह रहे हैं समाज में, जैसे आप बता रहे हैं जी, ऐसे जैसे आप, ठीक है, हेलो, मेरी बात सुनिए। हाँ। आप तो हमारे बच्चे, छोटे बच्चे को, ठीक है, मतलब हुआ है जो चीज, हम तो हम जो ये बाबा आपको से तकलीफ हो रहा है कि मतलब कैसे हो सकता है? आज ऐसी ठीक है, मम्मी हमारी रो रही थी 10 साल, हाँ, आज उनको याद आने से मम्मी चुप हो गई, हाँ, हार्ट का पेशेंट उनका ठीक हो गया। हम तो नहीं कह रहे आप ये हमारे हार्ट का, आपका हार्ट का ठीक हो जाएगा, उनको मिली तो उनकी हार्ट ठीक हो गई है। हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुने मेरी बात। आप यहाँ कह रहे हैं आपके जो जो बाबा वाला, सुने हैं आप जो वहाँ के बागेश्वर वाले बाबा? हाँ, बागेश्वर सुने हैं, सुने हैं। लेकिन उनको वो भी कर रहे हैं, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, हम तो अपना भाई बता दिए, हो गया बात खत्म। लेकिन वो तो पर्चे बता रहे हैं, और न तो उनको कोई झूठ साबित नहीं कर पा, तो उनसे क्या करें? वो तो वहाँ पता कितने लोग जुटे हुए हैं, दो चार लाख भीड़ हो रहा है, वो तो रोज रोज कंपटीशन हो रहा, बातचीत हो रहा है, मीडिया वाली बात फेल हो रहा है। मीडिया भी नहीं फेल हो रहा, मीडिया में नहीं झुक रहा है, उसमें आप देखे पुलिस वाले, मीडिया वाले हैं। जैसे देखिए धरती है, तो धरती पे कुछ ना कुछ भाई होता है, कोई अच्छा है करता है, कोई बुरा करता है, कोई ढोंगी करता है, कोई कुछ करता है। फिर हम तो भाई बाबू आ गए, थोड़े ये तो हम कह नहीं रहे, हाँ ये हमारे घर पे बाबू आ गए, बाबू भगवान, भगवान तो बना नहीं रहे हमको। ठीक है, वही हम पता लगा रहे हैं ना, पता लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम, अब जैसे अगर हमको इसे कुछ मिलता है अब, या तो हम कहें हाँ चल, उस सब से क्या फायदा? अगर इस चीज में अगर पढ़ाई लिखा दे, अगर पढ़ाई याद आएगा और फायदा मिलेगा हमको ना, उसमें पढ़ाई की रहेगी, तेज दिमाग रहेगा और कम समय में ज्यादा पढ़ने चाहेंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि आप बच्चे को अच्छा बनाएं। मेरी बात सुनिए, आप ज्यादा ना, हम सोचते हैं, वही मेरी मम्मी बोलती है कि ये चीजें याद है, कम पढ़ियो, मम्मी मारती है, हम भी मारते हैं, डांटते हैं, हैं, कहते हैं अरे तुम पढ़ियो, तुम ध्यान दे, खाली बस वही में पढ़ा रहा गया है। बच्चे को जो है मारने से थोड़ा ना होता। अरे जैसे देखिए, जैसे आपको लग रहा है, हमारी बात सुनिए, हम भी सोचते हैं, कहते जाते हैं स्कूल, पढ़ते और देने ही ना पढ़ते, हम सोचते हैं, कहते हैं
कि अब पढ़ो लिखो अच्छे से, कम समय में पढ़ो, अच्छा पढ़ाई होगा उसमें जात के। हाँ ठीक, अभी छोटे यहाँ से छोटे हैं, लेकिन अब एक आपको हम नहीं कह रहे, आप मानिए, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे भाई, मानिए। अब जो हमारी समस्या है आप नहीं समझे हम क्या झेले हैं। आज ऐसे आज नहीं होता है, समस्या तो जान ही रहे, आपकी मतलब वाइफ चली गई, आपके पिताजी नाराज है, तो काफी मुश्किल। नाराज हमारे 1999 के छोड़ गए, आज हम उनके जाने के बाद ही सब कुछ बनाए हैं। आज तो उनके जाने के बाद आज वो शायद थे रहते तो नहीं कुछ कर पाते हम, क्योंकि पीना बवाल झगड़ा करना अच्छी विकास की रोड़ा बनता है ना। तो आप ऐसे मुश्किल में घिरे हुए हो तो देख ही रहे हैं। मुश्किल है, आप मुश्किल क्या घिरे हैं, आप तो ठीक है जान लो, वो तो आप देख रहे होंगे, लेकिन मम्मी और मम्मी परेशानी की सोच के रोते हैं। आज मुश्किल में आज चली गई तो क्या किसी चलने से कोई रुक जाएगा किसका खेल, जिससे क्या खाना बनाने वाला कोई नहीं है। अरे भैया नहीं है तो भाई अब एक शादी टूटने के बाद थोड़ा तुरंत हम कर लेना चाहिए इससे। हाँ थोड़ा समझ बूझ के तो करना ही पड़ेगा। हाँ तब वही बात है ना, तब फिर समस्या ठीक है, और ऐसा थोड़ा लाकर धर दे चाहे फिर समस्या बढ़ जाए। चलिए ठीक है, देखिए सुनिए मेरी बात, सब कभी कभी होता है ऐसा ना किसी के साथ, तभी कुछ ऐसा ही भगवान चमत्कार करते हैं। आप चमत्कार माने ना माने, लेकिन आज हमारे साथ सब ऐसा हुआ तब भगवान ऐसा मेरे साथ किए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे कहीं होता है ना कि बहुत अत हो जाती है तब भगवान को कुछ ना करना पड़ता है, और जब भगवान ऐसा चीज करते कोई विश्वास ना करे। हाँ जैसे हाँ तो अभी ही बात है, अब हम आपसे कह दे हाँ बाबू को बहुत कुछ याद आएगा तो हम तो नहीं कह पाएंगे। जैसे हम ये नहीं कह पाएंगे हाँ बाबू बहुत अभी छोटे बड़े हो जाएंगे और क्या, अरे हम यही कहेंगे हाँ भाई समय आएगा देखा जाएगा क्या होगा, क्या नहीं, कितना याद आए कितना नहीं याद आए। आप हमारे घर आप नहीं बिता, ना आपके घर हम बिता पाए, ना आपके घर हम हाल जानेंगे, ना हमारे घर हाल कर जान पाएंगे। ठीक है, वो तो समस्या अभी 10-5 मिनट में फोन पे कोई क्या जान लेगा, या एक 10-5 मिनट आपके घर कोई जाएगा तब क्या जान लेगा। तो वही बात है ना, फिर हम जिसे हम अगर हमको ज्यादा दिक्कत कि पिताजी के तुमसे हम खुद झेले हम जान रहे हैं ना। आज हम आप सोच रहे हैं मम्मी देख करके परेशान कुछ नहीं है, हाँ वो चली गए तो मम्मी सोचती है आज मतलब की छोड़ के चली गए, आप सोच रहे परेशान हम कुछ नहीं तनके भी नहीं है ना। आप दिमाग अपना सोच के रखे रहिए कि आप सोच रहे होंगे खाली खाना की समस्या है ना, मम्मी कम किए क्या उतने से अब तक कर देगा, अब उनकी अब उस करने की अवस्था नहीं रहेगी तब नहीं कर पा रही है ना, नहीं तो आज तक वही पाली पोसी हमको कोई और पाला है। मतलब कि जितना मम्मी कैसा था आप अगर होते हमारी मम्मी के आप नहीं कर पाते जितना झेली है, नहीं कर पाते हम कहे थोड़ा। सुने मेरी बात, आप इसका मतलब आपका बना हुआ बाजा है, आप बहुत बोल रहे हैं ना इसीलिए ना कि हम आप हमारे जी हम बहुत कहानी ऐसे सुने होंगे, बहुत लोग ऐसे झेले होंगे, कितने लोग मार भी डालते हैं अपने परिवार को पिता ऐसे पीने वीने की वजह से, सुने होंगे। हाँ हाँ बहुत घटनाएं आती रहती हैं, आती है ना। तो आप ये समझिए कि मम्मी वो नहीं की ये सब समस्या को झेली है, चाहे गलत समझो चाहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये है आज हमारी मम्मी अपने हिम्मत को नहीं बनाए तो उतना काम किया हमारी हम लोग का होता है। अब हर आदमी का इंसान का फिल्मों में नहीं होता आजकल, देखते कैसे कहानी है कैसे कैसे, आज हमारे साथ सोच लीजिए फिल्म की तरह हमारी कहानी चली है। कहानी तो बनी गई है आपकी, फिल्म बनी जाएगी। नहीं हम फिल्म से नहीं, फिल्म क्या बनी जाएगी, फिल्म क्या हमको क्या मतलब है, स्टोरी आपकी कहानी का लेकर के कोई फिल्म बनाना चाहे बना सकता है, हमको फिल्म से क्या मतलब है, लेकिन हम अपनी कहानी बताने की जिस तरह चली है मुबूर बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं कर्म करो फल देगा, और एक बात और है इतना इतना मतलब कि किसी को पीछे नहीं पड़ना चाहिए, अरे हुआ है तो हम तो कहे भी मानो ना मानो है, अब उसी में बार बार कहो ऐसे कैसे अरे वो तो हम जान रहे हैं, आसपास के लोग जानेंगे आप नहीं जान पाएंगे ना, दूर से कोई कितना जाने। हाँ फिर हमको जानकर आपको क्या क्या फायदा मिलेगा आपको, हमको है आप ना कोई अधिकारी है ना कोई केस है ना कुछ है, है? इससे अच्छा अपने परिवार में ज्यादा ध्यान दे तो अच्छा रहता है, दूसरे के परिवार में बार बार कोई चीज बाप तो पुनर्जन्म बाद तो हमारे परिवार ही पाने लगे आ गए है, कैसे कैसे क्या हुई थी है, शायद हमारे जो कोर्ट में किए तो वो नहीं पूछे जितना सब पूछते हैं, इतने लोग आए वो तो नहीं, वो तो यही कह रहे हैं वो बहुत छोटा बहुत छोटा, आप तो बस पूरी सोच रहे हैं कि 5 साल के बच्चों की तो पूरी हिस्ट्री लिखा दे खोल दे, किसी को पूछने से ज्यादा सोचो कि लड़का बोल रहा है तो आपकी इज्जत कर रहे हैं, नहीं आप बस
बस बार बार खोते जाओ। ये तो लग रहा भगवान के सबसे बड़ा दुश्मन आप ही हैं लग रहा हमको। नहीं, 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 नहीं लग रहा है कि भगवान दुश्मन आप ही हैं। अरे हम तो ये नहीं कह रहे हमारे घर पूजा करिए, अरे भगवान के भगवान माता जी ने इतना मेरे साथ किया है, आज उन्हीं का गुणगान होगा, माता जी ने नहीं भूलेंगे। इससे लग रहा है पक्के दुश्मन है भगवान के, पक्का सनातन धर्म के पक्के दुश्मन हमको लग रहे हैं आप है। हम तो अपने पूजा नहीं करा रहे हैं, हम तो भगवान की गुणगान, आज माता जी ने हमको दे दिया, यही कह रहे हैं हमको। नहीं अपने बहन को तो भगवान आए थे प्रभाव डाली वही किए है ना। आप भाई चाहे जो सोचे उसमें से क्या मतलब है। आ तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ते, हमको क्या छोड़ेंगे आप। इतना नहीं पीछे पड़ना चाहिए किसी के पीछे। अरे अरे कोई कब जब आप पूछे सवाल के जवाब हमने दिया ठीक है। बस बाप ऐसे ऐसे है वैसे। अरे आप अधिकारी हैं, आइए मेरे घर पे, वहां से क्या मतलब है। यहाँ से आइए पूछिए जो पूछना है। आने वाले थे आप ही रोक दिए, नहीं तो आए होते। अरे आए तो हम अभी रिपोर्टिंग करने आएंगे, तो हम तो रोकेंगे भी आइए अब। हाँ उस तरह तो रिपोर्टिंग करने आते उस तरह आएंगे, कभी टाइम निकाल के वैसे आते घूमने आएंगे तो आ जाएंगे वैसे कभी। फिर हम कह रहे हैं अभी इस तरह आप सवाल जवाब मतलब क्या मतलब वो क्या मिलेगा हा? जो बात खत्म आप आएंगे बाप उधागने, अब बाप हम झेले हैं आप तो झेले नहीं है, है? जो बाप किए हैं तब उसको हम झेले। आज बाप वही सोच रहा है आ जाए घर में, उस समय क्या स्थिति नहीं ठीक तो छोड़ के चले गए। आज स्थिति में घर परिवार में सब कुछ बढ़ गया तब सोच रहे हैं अब सही हो जाए, हम आ जाए आप सुधर जाए। चलिए वो तो घर घर की कहानी है। हाँ तो घर घर कहानी तो सबके जाइए, सबके पास जाइए आपने। अगर ऐसा ही यही आप बीड़ा उठाए हैं हर घर कहानी की तो आप हर घर जाइए, अच्छा बात है ना। कम से कम ऐसा शुरुआत में आप चले जाएंगे तो हो सकता है घर सबकी बस्ती जाए। समाज सेवकी वाला काम करते बहुत अच्छा रहता ना। अब समाज क्या है, समाज की बातों को हम लोगों को मंच पे रखना रहता है और क्या करना। आपकी बात जो कोई बोलेगा उसी बात को रखना है, और उसमें हमको कुछ ज्यादा गणित थोड़ा लगाना हम लोग। नहीं गणित ज्यादा लगा रहे भैया, गणित नहीं गणित बहुत ज्यादा लगा। हम जैसे हम बोले हैं सब लोग अब हम तो आप बस वही चीज एक बार पूछे फिर आज पांच बार पूछे हम खलिए रहे। नहीं ये सब चीज कहाँ पूछे थे आज पूछे। क्या चीज वीडियो में नहीं देखे बाप मतलब बाप छोड़ के चले गए। देखे है लेकिन उसमें जो स्पष्ट नहीं हो रहा था, स्पष्ट नहीं हो रहा था तो फिर हम कह रहे हैं उसमें अच्छा ठीक उसमें तो भाई बाप वाला मैटर तो है नहीं, कहाँ बाप हमको रहने नहीं दे रहे हैं या कोई बात है। बाप तो भाई पुनर्जन्म वाली बात थी ना। हाँ, हाँ। तो पुनर्जन्म वाली थी याद है। आप कोई माने ना हमसे कहा कि हाँ आपको हम चीज चीन के चीरे दिखाए। नहीं, तो नहीं कोई क्राइम थोड़ो ना है कोई। हाँ मतलब तो क्राइम ना तो बस वही नहीं ऐसा ही। आप हर व्यक्ति कोई पत्थर को माने कोई कुछ माने कोई रोकने वाला थोड़ो ना, तो हर व्यक्ति का अधिकार है अपना मत मानिए। कौन कह रहा है मानने के लिए। नहीं हम मान किसी हम कुछ कहे थोड़ा ना है आप। नहीं नहीं इसी बार बार फोन करके बच्चों को सिखाया गया है हम तो पैसा कमा रहे हैं। हम तो वीडियो में बोले होंगे नहीं सुने हैं क्या। नहीं सुने थे कि हमको विश्वास नहीं था पड़ोसी हम कहे हमको विश्वास नहीं था ऐसा हो सकता है। हाँ। जब हुआ तब मैं सब नहीं सुने होंगे। अरे सुने हैं सब सुने हैं। तब क्यों का बोधन कर रहे हैं कि हम सब तो, सिखा कर पैसा कमा रहे हैं। नहीं हम तो कह रहे हैं जब हमारे लड़के 18 साल के चले गए तब आपको दुख नहीं हुआ होगा। 10 साल तो हम रोए थे ना कि आप रोए थे। किससे रोए थे माता से रात भर हम सोते नहीं थे माता से रोए थे। उन्हीं से शिकायत हमारी थी किसी से नहीं थी। आप दुनिया वाले से नहीं शिकायत थी माता से शिकायत थी भगवान से शिकायत था। हमारे बारे में नहीं सोची कैसे हम पाले थे। आज दे दी सबको तकलीफ हो रहा है। आज 13 साल से हमको नींद नहीं लगता। विश्वास मानेंगे 13 साल से हम सोते नहीं बिना गोली का। मांग डिस्टर्ब कर रहे हैं। आ गए तो जब चले गए 18 साल तक तकलीफ नहीं हुआ। आ गए तो सब आ गए ना तो हमारे खनवा ने सबको तकलीफ है कि दोबारा आ गया। अब तो गैर है ना आप तो गैर है। पटदार जो है ना उनका भी तकलीफ दोबारा क्यों आ गया समझ रहे हैं।
बोलिए। अरे ठीक है, आप गुस्सा कर रही हैं। नहीं नहीं, आप गुस्सा नहीं, जब याद आ गया ना, जो हमारे अमर के गाय पटदार हमारे जो खुश हुए थे ना, हैं, जो पटदार खुश हुए थे जब माता जी आई ने पूरे हमारे जो हमारे दुश्मन सबको सफा कर दी, पटदार को साफ कर दी माता जी, मानेंगे आप? जो हमारे पीछे पड़े थे ना, माता जी साफ कर दी, कैंसर दे दे के किडनी खराब कर, मर गए सब, मर गए, कोई नहीं बचा है। हाँ, जब माता जी हरम गुड़ाम गुड़वाम रखी पैर वघरा में ना, तो जितना हमारे दुश्मन थे जो पीछे जितना दुख दिए थे सब सफा हो गए, हैं, कोई बचा नहीं है। जब से माता घरम गुड़ाम रखी तो कोई नहीं बचा, सब सफा हो गए। माने मान आखिर पूछ लीजिए कि छह साल में क्या क्या हुआ, कोई नहीं बचा है। जिसके लिए हम दस साल रोए हम कि हमारे अमर को हमको इतना सताता था, इतना दुख दिया, इतना दुख दिया था, तो पांच छह साल में सब सफा हो गए, पांच साल में सब सफा हो गए, आज से नहीं पांच साल में सब साफ हो गए। किसी की किडनी खराब हुआ, दो तीन जनी चार जनी तो कैंसर हुआ है, कोई दस साल बिस्तर पर, कोई नाक रगड़ रगड़ के। बाबू हमारे पांच साल के हुए, सब दुश्मन खत्म हुए पांच साल में, समझे? माता जी आई थी, कहा हमारे पुत्री को काक, माता जी क्या कही, आप नहीं समझते क्या कही, सुनोगे भी नहीं, क्या कही कि अगर 10 अंगूरी में 1 अंगूरी तुम्हारे पास होता ना, तब वो हमको आना नहीं पड़ता, समझ रहे हैं? कोई नहीं था, कोई आगे पीछे नहीं था, ही रोते थे, कोई चुप कराने वाला नहीं था, बहू नहीं आई थी, सिर्फ बेटी थी, कोई नहीं आए, इनके बाप कोई चुप कराए, हमको तो गाली दें सारा पी के, दारू पी के, हमारे के दोस्त है, हमको उठाए मंजन करा तो उसको गाली दे के भगा दें कि हम मत आओ यहाँ पर, लेकिन आप तकलीफ मानने के लिए कह रहे हैं। जब हाँ खान जो पटदार थे, जो हमारे पटदार थे, जानते हैं पटदार कैसे होते हैं, हमारे दोनों जो बच्चे कमार थे, पटदार को बहुत तकलीफ था, बहुत तकलीफ था, हैं, जब चले गए अमर तो पटदार बहुत खुशी मनाए, जश्न मनाए, जौन जौन कभी नहीं तो नया साल मनाए, बसंत पंचमी मनाए, खुशी के मारे मनाए, हैं, खुशी के माने मनाए, लेकिन हाँ तो खुशियाँ जो मनाया था ना, वो सबका खुशियाँ छिना गया, समझ रहे हैं? सब गए, जो घर से इनके बाप हमारे पर्दार हरदम सब घर में से निकालने आते थे, कहा बच्चे कैसे लेकर आए थे, एक बच्चे थे, लेकिन सब लाइन पे आ गए यार, तो सब आप बुलौनी करते हैं, बैठते हैं सब, और सब से चली गई, जो मेन थे, बिलन थे, सब चले गए, दुनिया हमको घर से निकालते थे ना, दुनिया छोड़ चले गए, समझ रहे हैं? हाँ, इतना मत दुख दीजिए, चलिए ठीक है, आप गुस्सा कर गए, चलिए ठीक है, माफ नहीं, मत मानिए, मानिए, हाँ तो फोन मत करिए, मानिए, भाड़ में जाइए, 10 साल हम रोए थे, हम पा गए, बात खत्म, ठीक ठीक, शौक नहीं है लाइफ वीडियो बनवाना, चलिए ठीक, हमने थोड़ा मतलब माफ करिए, हम नहीं कभी करेंगे फोन, हाँ मत करिएगा, हम से डिस्टर्ब कर दिए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, वैसे हम थोड़ा सा जानकारी ले रहे थे, ऐसे जानकारी कभी लिए कहीं कि उनकी मम्मी 10 साल रो रही है, बिस्तर पर सो रही है, कभी जानकारी नहीं लिए, उनका भाई 18 साल की जानकारी नहीं ली, आज आ गए तो जानकारी ले रहे हैं। चलिए ठीक 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 है, ठीक है, आप शांति रखिए, कोई बात नहीं, शांति, 10 साल हम कलज रहे थे, तब तो नहीं कोई आया, आज खानदान में जो 10 साल रोते सुना था, कभी नहीं आया, आज खानदान कह रहा है ना कि 10 साल नहीं रोती तो नहीं पाती, आज यही कहते हैं सब, तब तो कहते थे रोते रोने से पा जाओगी, तब खानदान वाले ही कहते जो आते थे घर में, रोने से पा जाओगी, हम कह रहे थे जब तक जियेंगे तब तक रोएंगे, आज तो वही खानदान कहते हाँ रो रही तभी पा गई, नहीं रोती नहीं पाती, सब लाइन पे आ गए, समझो? चलिए ठीक ठीक है, ठीक है ठीक है, आप तो काम करिए, हम आराम करिए, हाँ अखी फोन मत करिएगा, हाँ नहीं, नहीं, वो हमारे के लिए आए, दुनिया के लिए नहीं आए, हम तो वीडियो में बोले हैं, दुनिया माने चाहे न माने, हम रोए थे, हम पा गए, बात खत्म, हाँ रखिए रखिए, ठीक है, आपसे फोन मत करिएगा, हमारे इतना पीछे पड़े, हमारे खुशियों के पीछे पड़े हैं आप। अच्छा ठीक ठीक, आप अच्छे से रहिए।